causes of bulimia nervosa social causes so now we will discuss about those causes which can influence the human behavior for example aap kisi bhi shakhs ke andar uski body ke weight aur shape se related चीज़ों को induce कर सकते हैं socially. अब वो कैसे किया जाता है जैसे हमारे सोशो कल्चर pressures होते हैं ठीक है अब social कल्चर pressures क्या होते हैं कि आप डिफ़ाइन कर देते हैं कि एक शख्स जो है ख़ास तौर पे दिस थिंग इज़ हैपन विद द फीमेल्स के एक जो ख़ास फीमेल बॉडी है उसको किस परपोर्शन में होना चाहिए ठीक है इसके साथ साथ जिस वक्त टीन ऐज आती है उस वक़्त जो कंपैरिजन होता है विद अदर टीन एज ग्रुप मेंबर्स उसकी वजह से भी uh, ये चीज़ जो है वो फीयर ऑफ गेनिंग वेट जो है वो डेवलप हो जाता है तो जो सोशल कल्चर प्रेशर्स होते हैं जैसा जो वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा हाईलाइट करता है फीमेल की बॉडी को ठीक है और लेस एम्फोसाइज करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर तो अगर आप आ, देखें आप ऑब्ज़र्व करें एक जर्नल ट्रेंड तो आपको नज़र आएगा कि जो वेस्टर्न फीमेल्स हैं उनकी बॉडी शेप प्रपोशनेट होती है एज़ कंपेयर टू साउथ एशियन और एशियन फीमेल्स की बॉडी शेप के कंपैरिजन uh, में तो ये जो कल्चरल प्रेशर uh, है कि फ़ीमेल शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस 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 के उसका फिगर जो है वो इतना इतना होना चाहिए वो जो है सर्टेन टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो सोशल कल्चर जब प्रेशर आपके ऊपर देता है कि यानी यू हैव द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय योर पीयर्स वो आपके ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है सेम जेंडर भी हो सकता है तो उसकी वजह से उस फ़ियर को ओवरकम करने के लिए सर्टेन टाइम बोलेमा नवोसा की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं यानी अगर आप आ, कहीं गए किसी गैदरिंग में गए आपके फियर से आपको क्रिटिसिजम मिला ऑन योर बॉडी आपके जो वो सेंस ऑफ रिजेक्शन है उसको ओवर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फूड इन किया गया देन द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड शेम वॉज डेवलप्ड एंड देन यू स्टार्ट टू वामिट आउट दैट थिंग तो वो चीज़ जो है ये इस तरह का साइकिल जो है एक प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से भी हम ये कहते हैं कि बोलेमा नरवसा जो है वो सोशल कॉज़ की वजह से डवेलप हो सकता है इसी तरह वेट कंसर्नस यानी अगर कोई शख्स अपने वेट के बारे में ओवरली कंसर्न है तो उसके साथ भी बोलेमा नरवोसा जो है वो डवेलप हो सकता है सर्टन टाइम लोग जो हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए डाइटिंग भी करते हैं ठीक है और इसके साथ साथ वो वेट से कंसर्न भी होते हैं इसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके दोबारा से कल्चरल एस्पेक्ट में समझ सकते हैं जिस तरह कुछ कल्चर आपने देखे होंगे कि वो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जैसे हम देखते हैं कि यूजुअली चाइना में जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ठीक है और जो कैलोरीज़ हैं और जो फूड इनटेक है उनको देखा जाता है कि हाउ मच वन शुड टेक इन एन हेल्दी अमाउंट तो वो जो वेट कंसर्न्स हैं और वो जो डाइट है कि यू शुड कंट्रोल एंड मेंटेन योर डाइट वो फैक्टर्स जो हैं वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं इसी के साथ साथ अगर फैमिली के अंदर कोई ऐसा आपकी मदर हैं या आपके फादर हैं या कोई सिबलिंग है या कोई स्टेंडेड फैमिली मेम्बर है जो कि इस किस्म का बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है तो समाइम वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोलेमा नर्वोसा जो है वो डेवलप करने का कॉज बनते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है आ, एक टीन है जो कि फूड इनटेक कर रही है और उसका जो फादर है वो उसके फूड को क्रिटिसाइज करेगा उसको प्रेशर देगा तो ये जो सोशल प्रेशर है इसकी वजह से भी नर्वोसा डेवलप हो सकता है कि उसके अंदर अनकंट्रोलेबल डिज़ायर टू तो ईट फूड हो और उसके बाद उसके अंदर शेम डेवलप हो और फिर उसके बाद जो है पर्जिंग की जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाएँ ठीक है तो ये वो आ, सोशल प्रेशर्स होते हैं या सोशल होती हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर को एक्सेब कर सकता है थैंक यू